हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सही भाई बढ़िया होंगे। तो गाइस, काफ़ी दिन हो चुके हैं, मतलब काफ़ी दिन, 3 या 4 दिन मैंने अपने खुद के लॉफ्ट की वीडियो नहीं बनाई। और भाई कमेंट्स भी आ रहे थे कुछ भाइयों के कि भाई आप अपने लॉफ्ट का अपडेट दो। तो मैंने सोचा भाई बहुत दिन हो चुके हैं तो क्यों ना आज अपन अपने लॉफ्ट का अपडेट दें और देखेंगे कि भाई लॉफ्ट में कैसा क्या चल रहा है। तो भाई जो भी भाई मेरे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फिर आज की इस वीडियो को अपन शुरू कर दें। तो गाइस चलिए अपन सबसे पहले अपने कबूतरों को खोल देते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब भाई मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और 100K के लिए भाई अच्छी वीडियो आएगी, मतलब ये आप ये तो नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ, अब के ओके भाई 100K स्पेशल। तो 100K पे इंशाल्लाह अच्छी वीडियो आएगी। ब्लॉग का बोला था, ब्लॉग तो आएगा भाई, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो भाई आप जाकर ब्लॉग तो देख ही सकते हो और उस पर मतलब इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी आएगी। हाँ भाई कबूतर ही आएंगे और जैसे भी कबूतर आएंगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बस मैंने आपको इतना बता दिया कि भाई 100K पे और अच्छी वीडियो आएगी। तो चलिए गाइस आज तो अपन देखते हैं कैसा क्या चल रहा है लॉफ्ट में। और आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बतानी है गाइस, बहुत ही बेहतरीन, कि आप भी बोलोगे कि भाई मज़ा ही आ गया। तो सबसे पहले अपन अपने कबूतरों को बाहर कर देते हैं और ये पानी का भी हटा देते हैं। आया आओ 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 आया आओ 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 आओ। और गाइस एक और बात आपको बताऊं, ये बच्चा भी बढ़िया सेल्फ फीड करने लगा है, मतलब खुद से दाना वाना खा लेता है और थोड़ा बहुत पानी भी खुद से पी लेता है। और बाकी बची कुची कसर अपन पूरी कर देते हैं, मतलब मुझे लगता है कि भाई हाँ यार अभी इसका मतलब पेट कम भरा है, तो बाकी थोड़ा बहुत अपन खिला देते हैं और थोड़ा बहुत पानी भी फिर अपन ही पिला देते हैं। चलो भाई चलो 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 भाई, ये देख सकते हो मेरे सभी कबूतरों को मैंने खोल दिया है और सभी कबूतर बाहर भी आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को अपने कुछ बच्चे भी बताऊंगा, जो कि रेड का था भाई छोटा वो कितना बड़ा हुआ और ब्लू बार का कितना बड़ा हुआ। और मैं आपको एक और चीज़ बताना है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास बच्चा है, वो भी आप बोलोगे कि भाई मज़ा ही आ गया कि इतना प्यारा बच्चा हो चुका है। तो गाइस चलिए अपन सबसे पहले अपने कबूतरों को दाना डाल देते हैं और पानी भी डाल ही देते हैं। आओ 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 आओ, ये देखिए गाइस रख दिए ईंट ताकि कबूतर नहा ना लें, क्योंकि कुछ कबूतर अंडों पे वो नहा लेंगे तो भाई अंडे ख़राब होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ इनको पानी देने, पानी दे देता हूँ बढ़िया, फिर अपन दाना भी दे देंगे। डाल दो पूरा, तो ये देख सकते हैं अपन ने पूरा पानी का मतलब वो भर दिया है। और अब ब्लू टोन गाइस इसमें नहीं दे रहा है, क्योंकि जब भी मैं देता हूँ तो क्या है वो वेस्ट कर देते हैं या कुछ नहा लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया भाई, ये अपना बनाया ही था तो ब्लू टोन या कोई भी चीज़ पानी में मिला के देने की होती है, मैं इसमें दे देता हूँ। ये प्लेट गिरा दी कबूतरों ने, इधर रखी हुई थी। चलो और गाइस अब अपन जल्दी से अपने कबूतरों को डाल देते हैं दाना, बढ़िया बिछा देना, ये देख सकते हैं ये अपन ने बिछा दी ये प्लेट। और गाइस मैं अब आपको बताऊँगा भाई दाना लेने गया है कि ये जो बच्चा है ये देखने गाइस खुद ही मतलब खुद से ही खाना खाएगा। तो चलिए अपन सब कबूतरों को आने देते हैं। आया 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 आ आ आ, तो भाई अब आप लोग देख सकते हो कि दाना ले आया है भाई और दाना भी डाल दिया है सभी कबूतरों को। वो बच्चा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वो रहा वो बच्चा, हटना भाई, ये देखिए भाई ये जो बच्चा था मतलब जिसको अपन कुछ दिन पहले हैंड फीड करवाते थे, तो बिल्कुल ये जो ब्लू बार दिख रहा है आपको इसके जो पीछे है वो वही बच्चा है। और देखिए बढ़िया बीच में घुस घुस के अच्छे से दाना वाना उठा रहा है, जितना उससे उठाते बनता है उठा लेता है और जितना खाते बनता है खा लेता है, बाकी जितना नहीं हो पाता भाई अपन लोग उसको खिला पिला देते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हो भाई सभी कबूतर माशाल्लाह अच्छे से दाना खा रहे हैं, तो बढ़िया इनको दाना खाने देते हैं और थोड़ी देर अपन लॉफ्ट में चलते हैं और देखते हैं भाई लॉफ्ट में कैसा क्या चल रहा है। देखो पीलों ने तो अभी अंडे दिए नहीं है, खाली पड़ा है, बैठे ऐसे रहते हैं जैसे भाई उनने अंडे दे दिए। और अब आपको मैं सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ जिसका मैंने भाई बोला था कि भाई वो क्या चीज़ है, आप तो आपको दिखाता हूँ पहले मैं, इन्होंने अंडे नहीं दिए, मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। गाइस ये देख सकते हो माशाल्लाह ये है अपना मुखी का बच्चा, ठीक है भाई। तो भाई मैं इसलिए हैरान हूँ कि यार मतलब कुछ ही दिन हुए थे, मतलब एक टाइम ऐसा भी आ चुका था जब अपन को लग रहा था कि भाई ये शायद ही बच पाए या इसका बचना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब ही क्या हुआ आप लोग भाई क्लियर देख पा रहे हो, माशाल्लाह इतने अच्छे से पाला है इसके माँ बाप ने कि भाई मज़ा ही आ गया। देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा बच्चा हो रहा है और मतलब पूरा तैयार हो चुका है लगभग, इसकी मार्किंग वगैरह भी काफ़ी सही आई है माशाल्लाह। तो भाई मज़ा ही आ गया मुखी का बच्चा देखने में,
और मैंने भी सोचा था कि भाई देखते बचेगा नहीं बचेगा। उस दिन तो मैं चाह रहा था भाई ये मर ही जाए, क्योंकि यार उसकी हालत ऐसी हो गई थी, आँख में आँख में से खून आ रहा था, पीठ पे से खून आ रहा था, इसके बाप ने इतना मारा था और यहाँ फेंक दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने यहाँ से उठा के रखा था भाई एक दिन का बच्चा, जो कि मतलब निकला और एक घंटे में ऐसी हालत हो जाए तो बचना मतलब नामुमकिन हो जाता है। लेकिन भाई ये मतलब बच गया, सर्वाइव कर गया और अच्छे से फिर इसके माँ बाप ने पाला और आप खुद देख सकते हो भाई रिजल्ट। भाई ऐसा मतलब मज़ा ही आ गया, अब क्या ही बोले माशाल्लाह। भाई अब आपको मैं दिखाता हूँ एक और चीज़, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई इसने अंडा एक और दिया या नहीं दिया। ओके, एक अंडा तो दिया था मैंने आपको उस दिन वीडियो में बताया था, अब देखते हैं भाई हो सकता है दोनों अंडे दे दिए हों। वैसे मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये देखो गाइस एक ही अंडा दिया है इसने, मुझे लग ही रहा था कि भाई इस बार शायद ये फिर से एक ही अंडा देगी, तो पता नहीं क्या रीज़न हो सकते हैं। तो काफ़ी टाइम हो जाता है कि भाई एक अंडा दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एक ही पालने दो, अब वो कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही सही से पाल लेगी। तो गाइस अब आपको मैं दिखाता हूँ एक और बहुत ही प्यारी चीज़। तो गाइस ये देख सकते हो भाई, ये है अपने रेड शिराजी का बच्चा, ये रेड ही निकलेगा ना। तो गाइस ये देख सकते हो भाई, पता नहीं क्या निकलेगा, ब्लैक से तो पर ब्लैक से लगना है, हल्के हल्के ब्राउन टाइप के, वैसे तो रेड ही निकलेगा। अब बाकी क्योंकि पहली बार भाई रेड का बच्चा निकल रहा है, अपन ने देखा ही नहीं है ज़्यादा। तो चलिए माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, अच्छे से खिला पिला रहे हैं इसके माँ बाप। तो भाई इसको भी सही है, इसको भी रहने देते हैं, अब तो आंखें भी खुल चुकी हैं देख सकते हो, 3 या 4 दिन हो चुके हैं, मतलब अपन वीडियो उसके बाद शूट कर रहे हैं। और गाइस आप थोड़े और नीचे आएंगे तो देखेंगे ये माशाल्लाह ब्लू बार मादी है, और इसका बच्चा तो भाई ब्लू बार ही निकलेगा, आप लोग को अलग ही क्लियर दिख रहा होगा, ग्रे बार होता तो अलग ही समझ आता, लेकिन भाई ये ब्लू बार है देख सकते हो आप लोग। माशाल्लाह भाई इनका बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और रही बात ग्रे बार की, तो भाई ये भी सही अपने मतलब अंडे पाल रही है, बहुत अच्छे से पाल रही है पहली बार के हिसाब से। और ये ब्लैक है भाई, ये तो मतलब माहिर है अंडे बच्चे करने में और करवाने में और पालने में भी, तो इनको भी बैठे रहने देते हैं। वो लल सोनों के बच्चे देखिए गाइस, माशाल्लाह ये भी काफ़ी सही ग्रोथ हुई है, छोटी वालों से उम्मीद दिखाई कि भाई पालेगा नहीं पालेगा। इनके अंडों का भी यही मसला था, अपन बाहर रख ही आए थे, पर सोचा यार एक बार रख के तो देखें वो बैठ रहा नहीं बैठ रहा, और ऐसे ही रख के देखे थे धोखे से, वो देखा तो भाई अब बच्चे भी हैं और बढ़िया ये ब्लैक टाइप में निकल रहा है, लेकिन ब्लैक नहीं है ये, इसके पता नहीं कैसा कलर आएगा, वो क्या निकलेगा आप अल्लाह ही जाने। और जो लोग हाई फ्लावर पालते हैं उनके निकलते रहते होंगे, वो लोग कमेंट्स करके बताना नहीं किस टाइप के बच्चे निकलेंगे, और ये ललसरा कलसरा टाइप में निकल सकता है। भाई माशाल्लाह ये भी काफ़ी सही है। और अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये तो खाली है, ये भी बैठी हुई है भाई, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे तो इसको चेक करना बेकार है क्योंकि भाई ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने को अपन इसको और चेक कर लेते हैं कि भाई इसके अंडे में से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला, देखते हैं फिर कैसा क्या है। तो गाइस एक बार हटा लूँ गाइस, देखो आपको अंडा तो फूटा हुआ दिख रहा होगा गाइस, और भाई बच्चा भी है ये देख सकते हैं गाइस, एक बच्चा तो दिख रहा है मुझे, और जो दूसरा अंडा है वो पीछे पड़ा है, तो पता नहीं उसमें से अंडे में से बच्चा निकला या नहीं निकला। अगर ये बाहर होती गाइस तो अमन ज़रूर अंडा उठा के भी देखते, बच्चा भी उठा के देखते। तो भाई माशाल्लाह सेंटीनेट का मतलब इतना टाइम इंतज़ार करने के बाद, दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने इंतज़ार करने के बाद माशाल्लाह 2 बार 3 बार इसने अंडे भी दिए थे, लेकिन अब जाके एक बच्चा निकला है। भाई बड़ी मुश्किल से ब्रीडिंग प्रोग्रेस सही हो पाई है, और इनका बच्चा निकलना भाई बहुत ही मतलब सही हुआ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। ऐसा नहीं है कि भाई अंडे नहीं दे रही थी, अंडे ये टाइम पर देती थी और मतलब बैठती भी सही से थी, लेकिन यार बस हो जाता है कभी कभी, नहीं अपन चाहते हैं इसका बच्चा लेना और उसी का बच्चा अपन नहीं ले पाते। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह भाई बहुत ही प्यारा है, मतलब मज़ा ही आ गया इसका देख के, क्या एक अंडे में से बच्चा निकला है। अब दूसरा अंडे का भाई पता नहीं कि ख़राब हुआ है नहीं, क्योंकि अंडा यहाँ पड़ा हुआ था, बल भाई कह रहा था, अब वो कह रहा था भाई शायद ख़राब हुआ है, अब पता नहीं कि भाई ख़राब हुआ या बच्चा निकलने वाला था इसलिए वो पहले से छटका हुआ था। तो वो तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कभी भी बता दूंगा कि भाई दूसरे में से बच्चा निकला या नहीं निकला, एक बच्चा तो ये पक्का है कि भाई एक बच्चा भी आपने सामने देख लिया, तो माशाल्लाह भाई अपनी सेंटीनेट कबूतरी के अंडे में से बच्चा निकल चुका है। भाई बहुत ही अच्छी बात है, और थोड़ी बहुत ही लॉफ्ट की आप लोगों को अपडेट देनी थी, बाकी मैंने सभी कुछ बता दिया लॉफ्ट के अंदर का, और बाहर का भी बता दिया कि भाई वो बच्चा दाना खाने लगा है, तो बाकी यही कुछ बताना था। बाकी सभी कबूतर बढ़िया दाना खा रहे हैं, तो इनको तो बढ़िया अपन दाना खाने देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई 100 के आप लोगों ने करवा दिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो, अपन जल्दी और आगे तक भी जाएंगे, और भाई 100 के की अलग से वीडियो आएगी पक्का। अगर और कबूतर कुछ भी आए तो मैं बताऊँगा कि भाई 100 के स्पेशल में ये थे वो कबूतर। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।